अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान आरिफ और ऑटोकैड में हम ये जो ड्राइंग बनाएंगे इसमें मुख्तलिफ कमांड यूज़ होंगी, लाइन, सर्कल, ट्रिम, ऑफसेट, फिलेट और पॉलीगॉन। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ और ये ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑटोकैड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिट सेट कर लेने हैं। यू एन यूनिट्स की कमांड है। तो डेसिमल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और प्रिसीजन मैंने 2 पॉइंट्स डिजिट रखी हुई है और यहाँ पे मैंने यूनिट स्केल जो है वो मिलीमीटर सेलेक्ट किया हुआ है। ओके करें। अगर आप यूनिट्स यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जो ये आपको नीचे रिबन में डेसिमल नज़र आ रहा है, तो स्मॉल एरो पे क्लिक करें तो आप यहाँ से भी यूनिट्स सेट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा तो इस 3 बार एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे यूनिट्स पे टिक कर दें तो आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो हमने इंसर्ट में जाना है, तो अगर इंसर्ट ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा तो आपने इस स्मॉल एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से शो मेन्यू बार पे सेलेक्ट कर देना है, तो आपको ये इंसर्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इंसर्ट में जाएं और यहाँ से रेस्ट फ्रेम रेफरेंस के थ्रू जो ड्राइंग हम बनाना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पिक कर लेता हूँ। आपको ये ड्राइंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके करता हूँ। और यहाँ वो पूछा कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट मैं स्पेसिफाई करता हूँ और इसकी स्केल जो है वो 0.1 में सेट करता हूँ। एंटर करें। ये आपके सामने ड्राइंग आ चुकी है। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपने ये स्मॉल एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर अपने स्नैप सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप के थ्रू ये सारे ऑप्शन आपने ऑन कर लेने हैं स्लैप टॉल के थ्रू। ओके करें ताकि आपको ड्राइंग बनाते वक्त कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यहाँ आपने जाना है, सबसे पहले ड्राइंग को अंडरस्टैंड करें कि ड्राइंग में क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। तो ये देखें, यहाँ उसने ये बताया गया है कि ये 6.5 की आर्क है, ये सर्कल है, ये रेडियस है, जो भी है। यहाँ भी एक सर्कल इस्तेमाल किया गया है जो 7 का है, यहाँ सर्कल 1.5 या 2.4, और ये फिलेट इस्तेमाल किया है उसने 0.30 रेडियस का, और ये रेडियस 0.5 का है, और ये रेडियस जो है उसने बताया है कि यहाँ जो फिलेट लगी है वो 1 की है, और एंगल उसने बता दिया कि तकरीबन 45 55, आप दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सर्कल सबसे पहले चूज़ करते हैं। तो मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, इसे ग्रिड को मैंने ऑफ किया है। तो सबसे पहले सर्कल, सर्कल के लिए सी फॉर सर्कल की कमांड है। यह ड्रा में जाके अब मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम स्मॉल सर्कल 0.56 एंटर करें, फिर दोबारा एंटर करें 0. इसके बाद है 1.5 का सर्कल है, तो 1.5 एंटर। इसके बाद है जो सर्कल है 2.44 का है, तो सर्कल सेलेक्ट करें 2.44, दोबारा एंटर करें, फिर 6.5 का सर्कल है, फिर 7 का सर्कल है, एंटर करें। ये आपको सर्कल कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें ड्रा में जाते हैं और यहाँ से हम एक एक्सटेंशन लाइन सेलेक्ट करते हैं और इसको हम टैब दबाएं और एंगल आप बता दें 55 का। तो ये इसने 55 के एंगल पे ये एक्सटेंशन लगा दी है। हम मिरर करते हैं, एम आई मिरर की कमांड है, आप या मॉडिफाई से भी जाके आप मिरर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करें और इसके सेंटर पॉइंट पे सेलेक्ट करें, और ये तो ये एक्सटेंशन लाइन आपकी आ चुकी है। ट्रिम करें, टी आर फॉर ट्रिम की कमांड है, एंटर करें, डबल एंटर करना है ताकि आप कहीं से भी ट्रिम कर सकें। तो ये पार्ट्स में ट्रिम कर देता हूँ और इन्हें हम रेस कर देते हैं। डी फाइव डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबाए तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हम फिलेट इस्तेमाल करते हैं। इसने फिलेट देखें हमें बताया है कितना है, ये देखें ये 1 का इसने फिलेट बता दिया है, यानी कि रेडियस 1 का है। तो फिलेट इस्तेमाल करें और रेडियस बता दें 1, एंटर करें, ये हमारा फिलेट लग चुका है। तो हम इसे, क्योंकि हमारी ये ऊपर है, इस सर्कल को ये टच कर रहा है, तो हम इसे मूव कर देते हैं। एंटर करें, सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ मूव कमांड पे क्लिक करें। आपके स्नैप सेटिंग ऑन होनी चाहिए ताकि ये इजीली आप मूव कर दिए, मैंने मूव कर दिया है। अब हम ट्रिम की कमांड यूज़ करते हैं, टी आर फॉर ट्रिम सेलेक्ट ऑल करें और इसे मूव कर दें, डिलीट कर दें, टी आर फॉर ट्रिम एंटर और इसे डिलीट कर दें। अब फिलेट की कमांड यूज़ करेंगे,
क्योंकि मैं इसे यहाँ तक इसलिए क्योंकि ये इस एरिया को टच कर रहा है, यहाँ पे रेडियस में कितने बताया 0.30 का, तो फिलेट इस्तेमाल करें, फिर फिलेट रेडियस बता दें 0.30 एंटर, फिलेट दोबारा रेडियस सेम एंटर, और ये आपका फिलेट लग चुका है। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पोर्शन को भी और इस पोर्शन को भी, और यहाँ हम अरे कमांड यूज़ करेंगे, ए फॉर अरे है, ए आर फॉर अरे है, तो मैं यहाँ से हम पोलर अरे सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो दोबारा फिर से मुझे सिलेक्ट करना होगा। अब एंटर दबा दें, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करे तो हम बेस पॉइंट, और ये आपकी अरे क्योंकि 6 हैं तो ये हमने 6, तो अगर ज़्यादा होते तो यहाँ से आप आइटम्स बढ़ा सकते थे। क्लोज करें, अरे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखें ये सर्कल आपके डॉटेड है तो इन्हें डॉटेड, अब देखें डॉटेड कर लें ये, लेकिन हम एंड पे करेंगे, हमें हमारी यहाँ अरे हमारी फिर से यूज़ होनी है। देखें 4 सर्कल हैं तो हम इस, और ये सर्कल कितने हैं, इनका डाया है इसने 0.5 बताया है, तो हम सर्कल सेलेक्ट करते हैं और इसके सेंटर में हम 0.5 का एक सर्कल लगा लेते हैं। ये आपका लग गया है, अब इसे अरे करें, एंटर करें, ये तो ये आपके सर्कल लग गए हैं। क्लोज अरे करें, अब ये देखें सारे सर्कल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो एक्स दबाएं ताकि एक्सप्लोड हो जाए, और ये हम सर्कल डिलीट कर देते हैं, इनके हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन सर्कल के सेंटर में रेक्टेंगल या पॉलीगन यूज़ हुआ है उसने ड्राइंग में, तो ये उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ उसका डाया, तो 6 एजेस साइड्स हैं उसके, तो आप यहाँ इन सक्रैप, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ज़रा यहाँ से ऑन कर लेता हूँ ताकि, तो ये रेक्टेंगल है, ये इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, तो सब में इसे पेस्ट कर देते हैं, तो ये आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अभी देखें ये सर्कल जो है ये वाले हमारे डॉटेड में है, तो हम इन्हें डॉटेड कर लेते हैं। आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इंसर्ट फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से लाइन टाइप से आप लाइन को लोड करें, या दूसरा सिंपल जो तरीका है आप यहाँ से ही लाएं और यहाँ से आप ये मैंने सेलेक्ट करी है, अगर ये आपकी शो नहीं हो रही तो अदर्स में जाएं, लोड में जाएं, और ये आपको यहाँ पर सारी लाइंस शो हो जाएंगी, तो वो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, तो आप यहाँ से वो लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है, ओके करें। मैंने गूगल में से मैंने सेलेक्ट ही नहीं की हुई तो यहाँ से भी आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक और चीज़, अगर ये लाइन में आप जाएंगे, अगर ये लाइन की जो है मैंने यहाँ पे इसका स्केल फैक्टर, यहाँ से आप इसका स्केल आप चेंज करते रहें ताकि, क्योंकि ये लाइन थी यहाँ 1, देखे करंट ऑब्जेक्ट स्केल था 1 है, तो मैंने इसका सेट किया है 0.1, क्योंकि 1 अगर मैं करता तो ये बिल्कुल लाइन ये हमें डॉटेड नज़र नहीं आते, तो हम जो ही इसे मजीद करेंगे, जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ इसे 0.01 कर देता हूँ फर्स्ट करें, ओके करें। अब देखें ये मज़ीद हमारी लाइन मज़ीद डॉटेड में होगी, तो यहाँ से जाएँ दोबारा मैं जाता हूँ और मैं करता हूँ ओके कर देता हूँ, ये मुझे ठीक है, और ये भी हमारी डॉटेड में है तो इसे भी मैं डॉटेड कर देता हूँ, और ये लास्ट का सर्कल भी हमारे डॉटेड में है तो इसे भी मैं डॉटेड कर देता हूँ, तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब डायमेंशन दे दें, डायमेंशन के लिए आपको पता है कि आपने फॉर्मेट में जाना है, डायमेंशन स्टाइल में जाना है, और यहाँ से आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने एक नोटेशन भी बना सकते हैं, मॉडिफाई में जाएं, और यहाँ से मैं सिम्बल्स की मैंने यहाँ तकरीबन यह 0.4 रखा हुआ है, और टेक्स्ट की हमारी तकरीबन 0.4 है,
तो ओके करें। यहाँ से बाकी चेंजेस भी आप कर सकते हैं, कलर वगैरह। तो सबसे पहले हम डायमेंशन सेट करते हैं। तो रेडियस मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया है 7, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स पीसीज सेलेक्ट किए हुए, तो इस वजह से ये 2 डिजिट्स में हमें एक्स्ट्रा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।